हे गाइस, सो आईपीएल 2022 में अब बहुत कम मैचेस बचे हैं। लगभग सभी टीम्स ने 13 मैचेस खेल ही लिया है और कुछ टीम्स ने 14 मैचेस भी खेल लिया है। तो अब बहुत कम मैचेस यहाँ पे बचे हैं लीग स्टेज के। दो टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है, वी ऑल नो। 3 टीम्स ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। इस वीडियो में कुछ एनालाइज करेंगे, लाइक कौन सी 2 टीम क्वालिफाई हो सकती है, जो बाकी का 2 स्पॉट है वहाँ पे हमें कौन सी टीम देखने को मिल सकती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो आप अभी अपने स्क्रीन पे पॉइंट्स टेबल को देख सकते हो। तो गुजरात टाइटंस की टीम क्वालिफाई हो चुकी है। सिर्फ 13 मैचेस गुजरात ने खेले हैं, 10 मैचेस जीते हैं। अपना अगला मैच भी जीत लेती है तो टाइटंस एक रिकॉर्ड बना देगी, एक सीजन में सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने का। आई गेस इससे पहले ये रिकॉर्ड राजस्थान और पंजाब के पास है 11 मैचेस जीतने का। तो उसको टाई कर देगा, यू कैन से। उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, बिकॉज गुजरात क्वालिफाई हो चुका है और टॉप 2 में भी रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें लखनऊ सुपर जायंट्स देखने को मिलती है, जो कि अभी नंबर 2 स्पॉट पे, और ये भी टीम क्वालिफाई हो चुकी है। 18 पॉइंट है इस टीम के नाम। 14 मैचेस में 9 मैचेस इस टीम ने जीते। अभी देखो, इनका टॉप 2 अभी कंफर्म नहीं है। क्वालिफिकेशन कंफर्म हो चुका है लेकिन टॉप 2 कंफर्म नहीं है। अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना अगला मैच जीतती है तो राजस्थान के पास हो जाएंगे 18 पॉइंट, और क्योंकि राजस्थान का नेट रन रेट ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू लखनऊ सुपर जायंट्स, तो यहाँ पे राजस्थान नंबर 2 पे आ जाएगा। देखो, अगर लखनऊ ने इतना अच्छा खासा रन स्कोर किया था, अगर पहले ऑल आउट कर देता कोलकाता को, तो मे बी बहुत अच्छा रन रेट हो जाता उनका। बट बहुत एंड तक मैच चला गया, जिसके कारण यहाँ पे लखनऊ का, आप कह सकते हो, रन रेट तो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, भले ही 2 उनको और पॉइंट मिल गए। इसके बाद नंबर 3 पर, जैसा मैंने आपको बताया, राजस्थान है। 13 मैचेस में 16 पॉइंट उनके नाम है, यानी कि 8 मैच जीती है। नेट रन रेट अच्छा है कंपेयर टू लखनऊ सुपर जायंट्स। अगला मैच जीतती है तो इनके नाम 18 पॉइंट हो जाएंगे और ये नंबर 2 पर आ जाएगी और इनका टॉप 2 कंफर्म हो जाएगा। तो ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर है। राजस्थान का फ्यूचर राजस्थान के ही हाथ में। अगर राजस्थान अपना अगला मैच जीतता है तो वो टॉप 2 को सिक्योर कर लेगा और प्लेऑफ्स में कंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज उनको 2 मैचेस मिलेंगे अगर आप एक हारते भी हो तो। लेकिन अगर आप 3-4 पे रहते हो, आप एक भी मैच हारोगे तो बाहर हो जाओगे। राजस्थान रॉयल्स के सामने अभी क्वालिफिकेशन का टैग नहीं लगा है, बिकॉज राजस्थान रॉयल्स की टीम अभी ऑफिशियली क्वालिफाई नहीं हुई है। बट लॉजिकली अगर आप देखो तो राजस्थान की टीम क्वालिफाई हो चुकी है। मान के चलो राजस्थान अपना अगला मैच चेन्नई से हारता है, फिर भी उनके पास 16 पॉइंट होंगे। आप ऊपर से गुजरात लखनऊ को हटाओ, अब सिर्फ 2 ही ऐसी टीम है जो कि 16 पॉइंट कर सकता है। एक तो दिल्ली है, एक तो बैंगलोर है। 16-16 पॉइंट दोनों कर सकते हैं। दिल्ली 16 पॉइंट करता है तो उससे खतरा है राजस्थान को, बिकॉज वो नंबर 4 पे आ जाएगा अगर दिल्ली थोड़े भी रन से जीतता है, थोड़े भी मार्जिन से जीतता है तो। लेकिन अगर बैंगलोर अपना मैच जीत भी जाता है, फिर भी उनके पास 16 पॉइंट तो हो जाएगा, लेकिन उनका नेट रन रेट बहुत ख़राब है। उनको समथिंग 0.600 का नेट रन रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक मैच में। तो आप कह सकते हो कि राजस्थान का क्वालिफिकेशन एकदम कंफर्म है, वो बस टॉप 2 के लिए भी फाइट कर रहे हैं। आगे चलिए तो नंबर 4 पे आपको यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम देखने को मिल रही है, जिन्होंने 13 मैचेस में 7 मैचेस जीते हैं, 14 पॉइंट उनके नाम है। इनका भी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज इनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। अगर ये अपना अगला मैच जीत जाते हैं तो वो 100% कन्फर्म हो जाएगा कि ये क्वालिफाई होने वाले हैं। लेकिन अगर आप मान के चलो आज बेंगलोर हार जाता है और फिर दिल्ली भी हार जाता है, फिर भी दिल्ली के ही चांसेस रहेंगे, बिकॉज बैंगलोर का नेट रन रेट बहुत खराब है। तो दिल्ली के भी बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं। आगे चले तो नंबर 5 पे है बैंगलोर, जिनके नाम 13 मैचेस में 14 पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट बहुत खराब है। उनको अपना अगला मैच कैसे भी जीतना पड़ेगा और फिर मनाना पड़ेगा कि कैसे भी मुंबई इंडियंस की टीम दिल्ली कैपिटल्स को हराए, तभी आप जाके क्वालिफाई हो सकते हो। आज अगर बैंगलोर की टीम जीतती है तो नीचे की जितनी भी टीम्स हैं वो खुद पे खुद बाहर हो जाएगी। तो आज मतलब गुजरात पे भी बहुत कुछ डिपेंड होने वाला है। देखो, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं चाहता हूं कि बैंगलोर की टीम क्वालिफाई हो। अब मतलब मैं चाहता हूं, देखो अब जैसे कोई दिल्ली फैन होगा वो चाहता होगा, मैं चाहता हूं कि बैंगलोर यार ट्रॉफी जीते, तो इसलिए मैं बस चाहता हूं कि बैंगलोर इस मैच को जीते। बट अगर नहीं भी हुआ तो देखो, जो अच्छा करेगा वही होगा क्वालिफाई। दिल्ली भी अगर अच्छा करता है तो आई होप कि वही क्वालिफाई हो, जो भी अच्छा करता है वो क्वालिफाई हो। नीचे चले तो कोलकाता बाहर हो चुका है ऑफिशियली। पंजाब का हैदराबाद से मैच, अगर उसको जीतता है अच्छे रन से तो कुछ चांसेस होंगे, लेकिन दिल्ली और बैंगलोर को अपने मैचेस हारने पड़ेंगे, तो ये सब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर वही सेम है हैदराबाद का तो नामुमकिन ही मेरे को लग रहा है। अपना मैच भी जीतना पड़ेगा, बहुत रन से जीतना पड़ेगा, और फिर दिल्ली और बैंगलोर दोनों को हारना भी पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो चेन्नई मुंबई ऑलरेडी एलिमिनेटेड हो चुका है,
तो ये पूरा का पूरा सीनरियो। अब आज के मैच का वेट करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। कल हो सके तो वापस सेम टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि अब क्या सीन है। कमेंट्स में लिखकर बताओ आपके हिसाब से कौन सी चार टीम क्वालिफाई होने वाली है। और अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस ही तोड़ा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको। लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।